नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए, एक ऐसे ही मुद्दे के ऊपर आज हमारे साथ में स्टूडियो के अंदर भारतीय महिला मोर्चा के जिला अध्यक्ष और जिला मीडिया प्रभारी शिल्पा सैनी मौजूद हैं, जिनसे हम चर्चा करने वाले हैं कि एक ही समुदाय के अलग अलग संगठन आखिरकार किस प्रकार से काम करते हैं, इनका समाज के प्रति क्या कुछ रोचना देखने को मिलती है और समाज के अंदर इनकी क्या कुछ भूमिका देखने को मिलती है। तो नमस्कार मैम, स्वागत है आपका न्यूज 19 के अंदर। मैम, सबसे पहले तो ये बताइए कि एक ही समुदाय के अलग अलग संगठन आज के समय में मार्केट के अंदर निकले हुए हैं, तो इससे क्या कुछ प्रभाव पड़ता है आम जनता के ऊपर? बिल्कुल, मैं शिल्पी सैनी, बीजेपी जिला मीडिया प्रभारी। धन्यवाद, आपने बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पुटअप किया है जो मैं आज के टाइम में देख पा रही हूँ। एक्चुअली मैं बहुत सारे संगठनों की अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष और राष्ट्रीय प्रवक्ता बनी हुई हूँ, तो मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि एक ही समाज है उसके इतने संगठन होने का मतलब क्या है। आप समझिए, जब आप सब लोग एक हो, आप सब लोगों का उद्देश्य एक है, तो आपने इतने संगठन बना के आप एकता को खराब कर रहे हो कि आप उसको। हम संगठन क्यों बनाते हैं? हम संगठन इसलिए बनाते हैं कि हम एक रह सकें। लेकिन आज के टाइम में जो मुझे बहुत बड़ी समस्या नज़र आ रही है संगठनों के नाम से, एक तो इसमें राजनीति चल रही है। राजनीति मतलब हर कोई अपने आप को एक नेता प्रमोट करना चाहता है। नेता बनो, नो डाउट, मैं इसके लिए मना नहीं कर रही हूँ, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि भाई आपने एक ही जाति के बहुत सारे संगठन बनाकर आपने उसकी एकता को खराब कर दिया है। आप समझने की कोशिश की है, जब हमारा उद्देश्य एक है तो हम क्यों नहीं एक होके, एक होकर हम उस चीज़ के लिए लड़ा जाए। क्यों आपने इतने सारे संगठन बना के एकता को ख़त्म करना चाहते हो? आज देखा जाए तो इस समुदाय के 2000 संगठन है, इस एक ही जाति के इतने सारे संगठन होने का मुझे कोई औचित्य नज़र नहीं आया है। ये भी मैं मान सकती हूँ कि ये इसलिए हुआ होगा कि भाई उसकी उससे नहीं बनी होगी, तो लेकिन क्यों? आप एक ही परिवार के हो, एक परिवार में एक व्यक्ति खराब होता है तो क्या उसको निकाल दिया जाता है? आप निकाल दोगे? आप मुझे बताइए, आपके परिवार का एक सदस्य अगर खराब होता है तो आप उसको धक्के देके निकालते हो क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ, लेकिन लेकिन इसमें शिल्पी जी देखने को ये मिलता है कि समुदाय का काम होता है बेसिकली, अगर देखा जाए तो समाज के बारे में, जो उनकी समाज है उसकी लगातार बिंदुओं को उठाए, उनकी आखिरकार क्या कुछ मांगे हैं उसको सरकार के सामने रखे, तो इसी को लेकर के समाज बनाया जाता है। लेकिन एक ही समाज के अलग अलग समुदाय, यह तो बिल्कुल भी सुनिश्चित नहीं हो सकता, क्योंकि अगर आप अलग अलग समुदाय यानी कि अलग अलग लोगों के पास में जा रहे हैं, वो भी एक ही समुदाय के, सबकी अलग अलग मांगे उठा रहे हैं, सबकी मांगे उठा करके अलग अलग सरकार के पास जा रहे हैं, तो एक तरह से देखा जाए तो डबल काम भी सरकार का बढ़ रहा है। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि हम अपने उद्देश्य की पूर्ति इसीलिए नहीं कर पा रहे। आप समझने की कोशिश कीजिए, हम 100 जने हैं, अगर 100 में भी 5 अलग 5 अलग 5 अलग, जब हमारा उद्देश्य एक है तो आपने रास्ते अलग क्यों अपना रखे? हम एक रास्ते से अगर जाएंगे तो हम अपने उद्देश्य को जल्दी और बहुत अच्छा प्राप्त कर पाएंगे। ये मेरा आपसे वादा है कि आप प्लीज़ एक होने संगठन को, एक और एक ही जाति का एक संगठन हो, एक ही समुदाय का एक संगठन हो, मैं इसके बिल्कुल आपको लाभ बताना चाहती हूँ। इसका यही लाभ है कि हम अपने उद्देश्य को बहुत जल्दी प्राप्त कर पाएंगे अगर हम एक होंगे तो। अब आप ये क्वेश्चन पुट अप कर सकते हैं कि भाई हम इसके लिए क्या करें, क्योंकि उसकी उससे नहीं बन रही है तो हम क्या कर रहे हैं कि वो एक हो जाए? तो हम लॉटरी सिस्टम कर सकते हैं। हम समुदाय के हर जो जितने भी संगठन हैं या जो लोग काम करना चाहते हैं, उनमें से 4-4 5-5 जने जो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, उनमें से चूज करके, और जो हमारे अनुभवी लोग हैं उनको लॉटरी सिस्टम के द्वारा हम उनको आगे ला सकते हैं, ताकि हमें उनके अनुभव का लाभ मिल सके। लेकिन देखा जाए तो आखिरकार संगठन की जरूरत ही क्यों पड़ती है? क्योंकि सरकार तो सब जनता के लिए, आम जनता को मानती है कि आम जनता ही हमारे लिए आम नागरिक है, तो आखिरकार इस संगठन की क्या जरूरत पड़ती है? क्योंकि देखा जाए तो सरकार ने जब सबको समान माना है, सबको समान नागरिकता दे रखी है, तो समान नागरिकता के अधिकार पे आपको किसी भी संगठन की जरूरत नहीं होनी चाहिए, तो आखिरकार इस संगठन की जरूरत भी क्यों पड़े कि जब सरकार सभी के लिए काम कर दे तो? नहीं नहीं, संगठन की जरूरत तो है हमें, नो डाउट, मैं इसके लिए बिल्कुल भी खिलाफ नहीं हूँ, क्योंकि संगठन की जरूरत इसीलिए है क्योंकि हमारे देश में जातिवाद तो है, देखिए आप समझिए, क्योंकि कई जातियाँ हैं जो बहुत ज़्यादा न्यून तबके से है, उनके उद्देश्य पूर्ण
पूरे नहीं हो पाते हैं, वो सामाजिक हो, राजनीतिक हो, किसी भी चीज में आगे नहीं बढ़ पा रही है, तो संगठन का औचित्य तो समझ में आता है, लेकिन उस संगठन को इतने विभागों में बांटना मुझे मेरी समझ से बाहर है। बिल्कुल आपने सही कहा कि उनको संगठन को अलग अलग विभागों में बांटना अलग बात है, लेकिन देखा जाए तो अभी हाल फिलहाल अगर हम बातचीत करें तो राजस्थान की जो सरकार है उसके अंतर्गत लगातार लोगों को आरक्षण के प्रति देखने को मिलता है कि आरक्षण में आप लगातार मांगों को लेकर के खड़े हुए हैं, अलग अलग समुदाय के लोग खड़े हुए हैं, तो क्या ऐसा करना सही है कि अलग अलग समुदाय के लोग एक साथ एक ही आरक्षण को लेकर के खड़े हुए हैं, क्योंकि इससे देखा जाए तो होता तो कुछ है नहीं, सरकार की भी मुसीबतें बनती है, आम जनता के लिए और परेशानी होती है कि ट्रेनों को रोक दिया जाता है, बसों को रोक दिया जाता है, हाईवे जाम कर दिए जाते हैं, तो इसका कहीं ना कहीं देखा जाए तो इन संगठन का असर आम जनता के ऊपर भी पड़ रहा है। बिल्कुल, ये आम जनता पे इनका असर इसीलिए पड़ रहा है कि मैं यही बोलना चाहती हूँ कि जो आज के हमारे संगठन है, मैं ओबीसी महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष भी हूँ, बिल्कुल, तो मैं उसी के हिसाब से बताना चाहती हूँ कि आरक्षण का मतलब है कि जो निम्न तबके की, जो निम्न वर्ग की जो जातियाँ हैं उनको भी उसी समानता से देखा जाए, उनको भी वही समानता का अधिकार दिया जाए जो उच्च वर्ग की जातियों को दिया जा रहा है, तो मैं इसके खिलाफ नहीं हूँ, वो बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आज भी जैसे घुमक्कड़ वाले जो लोहा लोहार है ये सब, उनको अभी नहीं पता है कि वो किसी भी क्षेत्र में अभी नहीं हो पा रहे, तो उनको आगे बढ़ाने के लिए हम उनको उनको भी देखना पड़ता है, ऐसा नहीं कि हम उच्च वर्ग की जातियों को ही आगे बढ़ती रहे और जो निम्न तबके की जातियाँ हैं वो पिछड़ी हुई रह जाए, तो इस समानता के अधिकार को समानता लाने के लिए ही केवल ये संगठन बनाए जाते हैं, जातिगत जनगणना जरूरी है और सबको समान अधिकार मिले, इसीलिए ये सब प्रक्रिया होती है। बिल्कुल, ये तो था हमारे साथ में एक ही समुदाय के अलग अलग संगठन को लेकर के शिल्पी जी का कहना, लेकिन इसमें सवाल तो यही खड़ा है कि अलग अलग समुदाय अगर मिलकर के एक ही संगठन की ओर ध्यान देंगे तो इससे उनकी राह भी आसान होगी, सरकार का काम भी आसान होगा और जनता को भी किसी भी प्रकार की समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा, तो इस पर सोच विचार करने की सबसे ज्यादा जरूरत है। तो फिलहाल इस रिपोर्ट के अंदर और इस खास मुलाकात के अंदर तो इतना ही, बने रहिए न्यूज 19 के साथ, नमस्कार।